हेलो स्टूडेंट, मैं अलका श्रीवास्तव, कालिंदी इंग्लिश हाई स्कूल की हिंदी टीचर। आज मैं आपको 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक लोक भारती की प्रथम कविता पढ़कर सुनाऊंगी और उसका भावार्थ भी समझाऊंगी। यह पुस्तक का कवर है आपका। अब आपका इस पुस्तक में पहली इकाई और दूसरी इकाई दी है, तो पहली इकाई में आपको कविता है। कविता का नाम क्या है? चांदनी रात। इसके कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इसकी विधा कौन सी है? खंड काव्य है। खंड काव्य, खंड काव्य मतलब एक बड़ी पोयम, बड़ी कविता होती है और उसके थोड़े छोटे से एक भाग को दिया जाता है। तो इसमें एक खंड काव्य है, खंड काव्य मतलब कविता, उसका छोटा सा भाग दिया है। ठीक है, अब पहले हम लोग मैथिली शरण गुप्त कवि हैं उनका परिचय जान लेते हैं। जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। झांसी के उत्तर प्रदेश चिरगांव में उनका 3 अगस्त 1886 में जन्म हुआ। मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुआ। परिचय, मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं हैं मानवीय, आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत हैं। मतलब इन्होंने नारी के बारे में, स्त्री के बारे में बहुत अधिक करुणा के प्रति लिखा है। प्रमुख कृतियां, साकेत महाकाव्य, मतलब महाकाव्य मतलब बड़ा काव्य, बड़ी कविता है। यशोधरा जयद्रथ वध, यशोधरा है, जयद्रथ वध है, वध, पंचवटी, भारत भारती, ये खंड काव्य है। ठीक है, यशोधरा जयद्रथ वध पंचवटी भारत भारती, ये छोटी एक बड़ा काव्य है, उसकी छोटी 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 कविताएं उसमें। रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक है। पद्य संबंधी, अब जो कविता है उसके संबंध में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये क्या है, मैंने आपको पहले बताया खंड काव्य। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। अभी पहले मैं कविता पढ़ूंगी, उसका फिर आपका अर्थ भी समझाती जाऊंगी। पहले मैथिली शरण गुप्त के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक विषयों से संबंधित अनेक प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी हैं। प्रस्तुत कविता गुप्त जी के पंचवटी काव्य का एक अंश है। उन्होंने पंचवटी एक काव्य लिखा है, उसका थोड़ा सा अंश है, थोड़ा सा भाग है। इसमें उन्होंने प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहारी वर्णन चित्रित किया है। अब इस कविता में पंचवटी, पंचवटी जानते हैं आप, पंचवटी क्या था? पंचवटी जहाँ पे जब राम और सीता और लक्ष्मण बन गए थे, बन तो जंगल में गए थे, जब उनको राजा दशरथ जी ने कहा था कि 14 वर्ष का वनवास, तो तब उस टाइम पंचवटी में वो रहे थे। पंचवटी एक जगह है, उसमें वहां पे झोपड़ी बना के अपने रहे थे। उस पंचवटी में रात के समय का यहाँ पे वर्णन किया है कि कितनी सुंदर रात, चांदनी रात है। ठीक है, कविता मैं पहले पढ़ती हूँ। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरुवि मंद पवन के झोंकों से। अब इसका मैं आपको अर्थ समझाती हूँ। चारु चंद्र की चंचल किरणें,
चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है, मतलब बहुत ही सुंदर दिख रहा है चंद्रमा। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अठखेलियां कर रही हैं, मतलब अठखेलियां खेल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि चांदनी रात में उसकी चंचल किरणें खेल रही हैं, ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो, अवनी और अंबर तल में। अवनी मतलब धरती पृथ्वी, अंबर आकाश। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी और समूचे नव मंडल में फैला हुआ और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। दूसरा पुलक है ना, इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है, पुलक प्रकट करती है धरती, मतलब पुलक मतलब बहुत खुश है पृथ्वी, क्या है बहुत खुश है। वह अपनी प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है, मतलब पृथ्वी इतनी प्रसन्न है, इतनी खुश है कि वह हरी हरी जो घास होती है ना उसकी नोकों से उसकी अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। और इस चांद मंद मंद हवा कैसे चल रही है चांदनी रात में, मंद मंद धीरे धीरे, मंद मंद मतलब ना धीरे धीरे पेड़ पौधे झूम रहे हैं, ऐसा लगता है वे भी इस खुशी में अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध, वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अभी चलते हैं नियति नटी के कार्य कलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। आगे कभी क्या कहता है कि कभी चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में बिखरी हुई निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं, ये चांदनी गजब की निर्मल है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ये निशा, निशा मतलब रात, ये रात रात कैसी है जब स्वच्छ है। कभी चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं, चांदनी गजब की निर्मल है, गजब की स्वच्छ है, और यह रात कितनी ही शांत है, वह कि कहीं किसी और कोई स्वर नहीं, इस चांदनी रात में कोई आवाज नहीं आ रही है, सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है और चारों ओर मीठी मीठी हल्की हल्की सुगंध भी मतलब बह रही है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल ना, सा चारों दिशाएं कैसी हैं, सब जगह चारों ओर बड़े खुशी का माहौल हो रहा है, अर्थात चारों ओर सर्वत्र आनंद ही आनंद है। अब बंद नहीं अब भी चलती है नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अब कभी क्या कहता है, कभी कहते हैं कि सारे काम चल रहे हैं इस चांदनी रात में, कभी कहते हैं कोई भी गतिविधि बंद नहीं है, सारे काम क्या चल रहे हैं, चल रहे हैं अपने आप, रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। नटी नटी का आपने देखा है, नट 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 नटी का रस्सी पर चलते हैं, उसको जैसे चलते रहते हैं ना वो नट नटी, एक रस्सी पर चलते रहते हैं ऊपर, वो तो वो उसके सारे कार्य कर आप चलते हैं। इसी तरह रात्रि रूपी नटी, मतलब यहाँ पर रात्रि को कैसे बताया, नट के रूप में, नटी के रूप में बताया कि उसके सारे कार्य कलाप अपने जैसे चल रहे हैं, कोई भी काम रुका नहीं है। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से, चुपचाप ढंग से, एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है, कहीं कोई कोलाहल नहीं, मतलब कोई शोर नहीं है, सारे काम चुपचाप हो रहे हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। अब कभी क्या कहते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर। अब यहाँ पे जो मोती है, मोती बताया है, मोती मतलब ओस की बूंदे। रात को आपने देखा होगा कि
मूस ऊस की बूंदें चारों पत्तों वगैरह पे गिर पड़ती, और सवेरे जैसे ही सूर्य आता है वो मोती हमेशा खत्म हो जाते हैं। तो उसी की यहाँ पे उसने कवि ने बताया है, कभी चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है, और जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता है। जैसी रात आती है क्या हो जाता है, बहुत सारे सितारे हो जाते हैं, और वो जैसे ही लेकिन सूर्य आता है, रवि आता है, तो वो सब खत्म हो जाते हैं। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता है, अर्थात सुबह का उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और आगे क्या कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि सुबह होने पे बटोरे हुए जो इकट्ठे कर लेता है रवि, वे चांद सितारे रूपी मोती सूर्य इसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। मतलब उसने इकट्ठे किए ये सब मोती, और वो किसको दे देता है, जो संध्या शाम जो आने वाली, संध्या जो आने वाली है उसको सौंप देता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर से चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है। रात में जब रात्रि में काली रात हो जाती है तो उसमें ये चांद सितारे चमकने लगते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर भी धीर भीर निर्भीक बन मना, जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ठीक है, कभी क्या कहते हैं, कभी पंचवटी का वर्णन करते हुए, अब पंचवटी का वर्णन किया है, ये पंचवटी बट के पांच ब्रज, पंचवटी पंचवटी बट बरगद का पेड़, वह पांच पेड़ हैं। पंचवटी की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी है, उसके सामने एक साफ सुथरी क्या है, शिला, शिला मतलब पत्थर, उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है, मतलब बैठा हुआ है। कवि ने पंचवटी का वर्णन किया है कि पंचवटी पांच बट के बरगद के पेड़ों की वृक्षों की छाया में क्या बना हुआ है, घास पर भूस पत्तों की एक सुंदर झोपड़ी बनी है, और उस सुंदर झोपड़ी के सामने अरे क्या है, पत्थर रखा है, शिला रखी है, और उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला निडर योद्धा बैठा हुआ है, मतलब उसको कोई डर नहीं है, ऐसा बैठा हुआ तीर कमान लिए हुए। जाग रहा है यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कभी कहते हैं मतलब आश्चर्य कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं पर यह धनुर्धारी कौन है जो रात्रि में इस समय जाग रहा है। वे कहते हैं ये कामदेव सा भोगी गृहस्थ कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है। कामदेव सा भोगी मतलब ये गृहस्थ है पर लेकिन सन्यासी जैसा दिखाई देता है। तो कभी कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग, सब लोग चुप चुप चुपचाप सो रहे हैं तो ये यहाँ पे धनुर्धारी कौन क्या कर रहा है, अर्थात मतलब जब ही पंचवटी में राम सीता और लक्ष्मण जब गए थे तो राम और सीता झोपड़ी में अपने आराम कर रहे थे, तब लक्ष्मण जी उस शिला पे बैठ के उनका पहरेदारी कर रहे थे। तो कौन है, यहाँ पे लक्ष्मण को बताया गया है कामदेव सा भोगी, मतलब सन्यासी जैसा दिखता है। ठीक है, ये पंचवटी से लिया गया है आपका। अब यहाँ पे आपका शब्द संसार है, कुछ शब्द दिए हैं उनको आपके अर्थ भी दिए हैं। पुलक ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग संज्ञा, रोमांच खुशी इसका अर्थ, कार्यकलाप पुल्लिंग है संज्ञा गतिविधि, कुटीर स्त्रीलिंग है, झोपड़ी कुटिया, निर्भीक विशेषण निडर, धनुर्धर पुल्लिंग है संज्ञा तीरंदाज,
कुसुमायुध पुल्लिंग संज्ञा अनंग कामदेव। दृष्टिगत विशेषण जो दिखाई पड़ता हो। अब यहाँ पे आपको करना है सूचना अनुसार कृतियां कीजिए। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना कीजिए। क्या क्या है? पृथ्वी द्वारा मोती छितराया जाना, सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना। पहले तो पृथ्वी मोती बिखर गए, दूसरा सूर्य जब जैसे निकला उन मोतियों को बटोर लिया, मोतियों से संध्या का रूप छलकना, फिर मोतियों को संध्या का जैसे चांद सितारे आ गए तो संध्या आ गई, समझ लो सूर्य का संध्या का मोती जाना। सूर्य क्या दे देता है? संध्या को वापस मोतियों को दे देता है। चांदनी रात की यहाँ पे बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं इस कविता में। कौन कौन सी मैंने लिखी है? किरणों का खेलना, स्वच्छ चांदनी है, स्वच्छंद सुमंद गंध, हर्षित दिशाएं, मोती तारे बिखराना, हरी घास का लहराना, मंद पवन चलना, रात शांत है। निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। आपको मतलब दो स्टेंजा का आपको अर्थ इसका लिखना है, जो कि मैंने आपको अर्थ पहले दिया हुआ है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निशब्द निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंदे वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अभी चलते हैं नेति नति के कार्य कला, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। ये दो स्टैंजा का आपको अर्थ लिखना है, अर्थ आपको मैंने पहले दिया हुआ है। यहाँ पे अभी आपको आपकी पुस्तक में पर्यायवाची दिए हैं। देखिए, तरु तरु पेड़ दरखत वृक्ष, मैंने इसके लिए पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। तो तरु को आप बिटप पादप और भी आप लिख सकते हैं पेड़ को। वसुंधरा वसुंधरा धरती पृथ्वी मही भू धरा कुछ भी आप लिख सकते हैं। चंद्र शशि सोम इंदु, कृषक किसान खेतिहर अन्नदाता, उद्यान बगीचा वाटिका चमन अरण्य वन जंगल विपन। ठीक है, अब आपको ये स्वमत है। प्रकृति मनुष्य की मित्र है, स्पष्ट कीजिए ये। ठीक है, कैसे है प्रकृति मनुष्य की मित्र? मैंने ये लिखा है और आप दूसरा भी कुछ लिख सकते हैं प्रकृति के बारे में। प्रकृति मनुष्य की किस तरह से मित्र हो सकती है, किस तरह से फ्रेंड। आदिकाल से ही मनुष्य और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध रहा है। मनुष्य का जीवन प्रकृति पर ही आधारित है। कैसे आधारित है? प्रकृति से हमको सब खाने पीने सब चीज पहनने की सब चीज प्रकृति से मिलती है ना, इसलिए मनुष्य का जीवन प्रकृति पर ही आधारित है। मनुष्य को जीवन आवश्यक सारी वस्तुएं प्रकृति से ही मिलती है। मनुष्य के लिए वर्षा का बहुत महत्व है। वर्षा से ही खेती होती है और अन्न का उत्पादन होता है, वर्षा से ही पेयजल उपलब्ध होता है। वर्षा का ना का होना या ना होना पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर आधारित होता है। पेड़ पौधे मनुष्य को जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। इस तरह प्रकृति मनुष्य की सदा से मित्र रही है। मनुष्य भी प्रकृति को अपना मित्र मानकर पेड़ पौधों पर्वतों नदियों तथा सागर की सदा से पूजा करता आ रहा है। प्रकृति आपकी किस तरह से मित्र है, ये आप अपने आप ही और भी लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।